फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ की रसोई। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ठंडाई, जो पुदीने और सौंफ से बनाई गई है, जो बहुत ही हेल्दी भी है और टेस्टी भी लगती है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें चाहिए 2 चम्मच सौंफ, 10-15 पत्ती पुदीना, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, 3 चम्मच चीनी, ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है, 1/2 kg दूध। सौंफ को मैंने 3-4 घंटे के लिए भिगो के रख दिया है, ये भीगने के बाद ऐसी हो जाएगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं ठंडाई बनाना। ये सबको मैं मिक्सी में एक साथ डाल दूंगी। सौंफ, चीनी, मिल्क सबको मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लूंगी ताकि सौंफ बहुत अच्छे से पिसे। ठंडाई के लिए हमें जरूरत पड़ेगी चीनी दूध की, इसलिए मैंने पहले से दूध को ठंडा करके रखा है फ्रीजर में। अब मैं इस सबको ग्राइंड कर लूंगी ताकि सौंफ बहुत अच्छे से पिसा जाए। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो वो जल्दी पिसाएगा, ज़्यादा अच्छा पिसाएगा और ज़्यादा अच्छे से ग्राइंड होगा। अब मैं इसको छान देती हूँ। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। देखिए कितनी हमारी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ठंडाई दूध की रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूंगी जो ऑप्शनल है।